सोनम कपूर के भाई को डेट कर चुकी है कियारा। सलमान खान से है खास कनेक्शन। फिल्म फुगली 2014 से बॉलीवुड में एंट्री करने वाली कियारा आडवाणी आज एक बड़ा नाम है। फिल्म कबीर सिंह ने उन्हें जबरदस्त शोहरत दिलाई। कियारा ने बेहद कम समय में बॉलीवुड में बड़ा नाम कमाया। कियारा 31 जुलाई को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। कबीर सिंह की सक्सेस के बाद कियारा के लिए ये बर्थडे बेहद खास है। आइए जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ रोचक बातें। कियारा आडवाणी का नाम कियारा नहीं था। बॉलीवुड में एंट्री करने से पहले उनका नाम आलिया आडवाणी था, लेकिन जब उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की तो तब तक एक्ट्रेस आलिया भट्ट एक बड़ा नाम बन चुकी थी और इस वजह से उन्होंने अपना नाम बदलकर कियारा रख लिया। इंटरेस्टिंग ये है कि उन्हें ये नाम किसी और ने नहीं बल्कि बॉलीवुड के दबंग एक्टर सलमान खान ने दिया। सलमान खान का कियारा के परिवार से खास कनेक्शन रहा है। कियारा ने एक इंटरव्यू में कहा था, मेरी माँ सलमान सर को जानती थी क्योंकि दोनों ही बांद्रा में पले बड़े हैं। वो अक्सर मेरी माँ को कहा करते थे कि वे भविष्य में स्टार जरूर बनेंगे। दोनों अच्छे दोस्त हैं और साथ में साइकिल भी चलाते थे। बता दें कि सलमान खान ने कियारा की मौसी शाहीन जाफरी को भी डेट किया है। शाहीन जाफरी सलमान खान की पहली गर्ल फ्रेंड थी। कियारा ने एक इंटरव्यू में बताया था, मां ने सलमान सर को शाहीन मौसी से इंट्रो कराया था और दोनों ने कुछ समय के लिए एक दूसरे को डेट भी किया था। मेरे ख्याल से ये दोनों का शायद पहला रिलेशनशिप रहा होगा। शाहीन जाफरी लेजेंडरी एक्टर अशोक कुमार की पोती हैं। फिल्मों के साथ ही कियारा ने वेब सीरीज के जरिए भी खूब सुर्खियां बटोरी। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज लस्ट स्टोरीज में कियारा का वाइब्रेटर सीन देखकर फैंस हैरान रह गए थे। उनका ये इस बोल्ड सीन खूब चर्चा में रहा। इस एक सीन से उनकी काफी चर्चा हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कियारा आडवाणी ने सोनम कपूर के कजिन और फुगली को स्टार मोहित मारवाह को डेट किया है। दोनों के लंबे समय तक लिंकअप की खबरें चर्चा में रहीं।